नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के, किरण पब्लिकेशन के बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजी भाषा के 25 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे और हिंदी भाषा के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जाम दो घंटे का होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, 30 नंबर आपको लाना जरूरी है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 मई को बीपीएससी द्वारा यहाँ पे एक प्रारूप और पैटर्न को घोषित किया गया है, उसी पे आधारित ये बुक है दोस्तों किरण प्रकाशन का। और ये जो बुक है दोस्तों, इस बुक में आपको अध्ययन सामग्री भी देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती के लिए, मतलब इंग्लिश और हिंदी का आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा साथ के साथ। ठीक है, तो ये लैंग्वेज टेस्ट का एक बेहतरीन बुक है दोस्तों, शिक्षक भर्ती लैंग्वेज प्रैक्टिस वर्क बुक है किरण प्रकाशन का। ठीक है, इस बुक का सबसे पहले एमआरपी दोस्तों देख ले, तो एमआरपी 225 रुपये है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बुक दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ पेज आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर, 239 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए इस बुक के अंदर के कंटेंट को दोस्तों हम देखते हैं कि कंटेंट किस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे बताया गया कि ये बुक किरण प्रकाशन का है, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। ठीक है, प्राथमिक मतलब 1 से 5, माध्यमिक मतलब 9 to 10 और उच्च माध्यमिक मतलब 11-12। शिक्षक भर्ती भाषा अंग्रेजी एवं हिंदी लैंग्वेज टेस्ट प्रैक्टिस वर्कबुक है, अध्ययन सामग्री सहित ये बुक आपको देखने को मिलेगा। इस बुक के अंदर टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा स्टडी मटेरियल के साथ। और ये बुक दोस्तों किरण प्रकाशन का ये बुक है। चलिए दोस्तों आप देखते हैं, ये बुक मैं बता दूं न्यू एडिशन है, 225 रुपये एमआरपी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको अलग अलग जगह डिस्काउंट मिल जाएगा, आप चाहे तो लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, लिंक ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिएगा, ये इनका कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम विषय सूची को देखते हैं, तो विषय सूची में आपको यहाँ पे कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बताया सफलता के सूत्र, कैसे बने प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अस्थाई शिक्षक, इस बार आपको मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, तो इस बुक से आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। साथ में दोस्तों आपको बताया गया अंग्रेजी लैंग्वेज का ग्रामर और वर्ड पावर, उसके बाद हिंदी में आपको भाषा तथा व्याकरण आपको देखने को मिलने वाला है। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस से मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे, पहले सेट में आपको अंग्रेजी, फिर उसके बाद हिंदी, हर एक सेट में आपको अंग्रेजी हिंदी आपको इस तरह से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी का ही टेस्ट होने वाला है। टोटल आपको भाषा ज्ञान में 15 सेट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों बताया गया है कि कैसे आप प्राथमिक टीचर बनने कैसे बने, उसके बारे में आपको कुछ टिप्स बताया गया है। सभी टीचर के एग्जाम के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे आपको क्या करना चाहिए जिससे आप टीचर आसानी से बन जाए अस्थाई टीचर। ठीक है, तो सारा कुछ जानकारी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही शानदार जानकारी इन्होंने शेयर किया है यहाँ पे दोस्तों, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिएगा, इनका एक बुक आता है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, चाहे इसे ले सकते हैं, 5400 प्लस का नाम से फेमस है। और दूसरा बुक 500 प्लस गोल्डन इंग्लिश गोल्डन ग्रामर का ये बुक आता है। ठीक है, उसके बाद सारा कुछ आपको टीचर एग्जाम से रिलेटेड बताया गया है कि क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। और बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 29 मई 2023 को जो जारी हुआ, उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या मतलब क्या क्या कंडीशन है, सारे कुछ को यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों पहला यहाँ सबसे पहले देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर एंड वर्ड पावर आपको देखने को मिलने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आपको बताया गया है ग्रामर, जिसमें आपको सेंटेंस बताया गया है। तो सेंटेंस में बताया गया है कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगा, आप इंग्लिश से इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाषा हिंदी तो हिंदी में होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में होगा, तो इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले सारा कुछ आपको ग्रामर देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। पहले आपको इंग्लिश में लिखा गया है, फिर हिंदी में वही चीज़ है, डेफिनेशन आपको लिखा गया है। जैसे लिखा गया, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया कि सब्जेक्ट क्या होता है,
प्रेडिकेट क्या होता है, सारा कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके यहाँ बताया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों बताया गया है हर एक डेफिनेशन को। उसके बाद दोस्तों नाउन बताया गया है, नाउन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, उसका टेबल के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। नंबर नाउन नंबर है, उसके बाद सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। पर्सन क्या होता है, उसके बाद है जेंडर क्या होता है, कि नाउन केस से क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सारा ग्रामर को बहुत ही शानदार तरीके से बाइलिंगुअल इन्होंने कवर किया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। तो ग्रामर इस बुक में दोस्तों अच्छे तरीके से लिखा गया है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड बुक लग रहा है देखने में, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है आपके लिए। इस सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा ईजी इन्होंने बना दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे टेंस देखेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस है, टेंस भी आपको कवर किया गया, मतलब कंप्लीट ग्रामर को इस बुक के अंदर कवर किया इन्होंने, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रामर का पोर्शन। अब दोस्तों हम देखते हैं ये वर्ड पावर भी आपको देखने को मिलेगा, एंटीनम्स हो गया, सिनोनम्स हो गया, ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अलग से एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन। तो पूरे ग्रामर को खत्म करने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, सारा कुछ खत्म करने के बाद आपको एंटीनम्स विलोम शब्द हो गया, सिनोनिम्स हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वर्ड पावर अपना अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी दोस्तों देख सकते हैं। होमोफोन्स हो गया, उसके बाद आप दोस्तों यहाँ देखेंगे सारा कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन तरीके से दोस्तों देखने को मिलने वाला है। फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में पहले आपको बेसिक जानकारी यहाँ दिया गया बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे वर्बल हो गया, वर्बल एक्सप्रेशन हो गया, फिर उसके बाद एडजेक्टिव नाउन फ्रेजेस हो गया, आइडम्स हो गया, पेयर हो गया, उसके बाद यहाँ मिसलेनियस आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हिंदी भाषा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हिंदी भाषा को भी इसी तरह कवर किया गया है, सबसे पहले लैंग्वेज को बताया गया कि भाषा क्या होता है, फिर भाषा के प्रकार बताया गया कि मौखिक होता है, रिटेन होता है, उसके बाद भाषा के मूल तत्व बताया गया, स्क्रिप्ट बताया गया है, और उसके बाद व्याकरण बताया गया, वर्णमाला क्या होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है, साइंस क्या होता है, वोवेल क्या होता है, वर्णों का उच्चारण एवं स्थान हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैनर्स ऑफ आर्ट, यहाँ देखिएगा प्रयत्न हो गया, उसके बाद वर्ण विच्छेद हो गया, उसके बाद संयुक्त कंजक्शन हो गया, उसके बाद वर्ण संयोग हो गया, सारा ग्रामर को दोस्तों कवर किया गया बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। मैं एक बार विषय सूची आपको बता दूंगा कि क्या क्या कवर किया गया, अगर विषय सूची में ये सब दिया होगा तो मैं अंत में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी ग्रामर पूरे अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से इन्होंने कवर किया हुआ है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला। और किरण पब्लिकेशन के बुक जो दोस्तों होते हैं वो टॉपर्स मतलब टॉपर आपको सजेस्ट करेंगे, तो इस बुक को जरूर आपको परचेज करना चाहिए। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मॉडल टेस्ट है उसमें आपको भाषा ज्ञान में सबसे पहले अंग्रेजी लैंग्वेज देखने को मिलेगा। अंग्रेजी के जैसा कि मैंने बताया कि 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, तो यहाँ देखिए 25 क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बताया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिला है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेंट कन्वर्टेड इंटू फ्यूचर टेंस, मतलब टेंस पे ये क्वेश्चन है, फ्यूचर टेंस पे कन्वर्ट करना है। इस तरह से आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लगभग 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, फिर कॉमन एरर के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आइडम्स का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिलअप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे, और ये कॉमन एरर का ही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया, उसके बाद फिलअप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये फ्रेज नहीं ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा पैसेज से भी एक देखने को मिल जाएगा 25 नंबर का, क्लूज टेस्ट भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश के सेट में शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों 26-27 से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब 26 मतलब यहाँ पे हिंदी भाषा शुरू हो गया, तो हिंदी भाषा में आपको ग्रामर देखने को मिल जाएगा। ग्रामर के हर एक टाइप के क्वेश्चन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उसके बाद गद्यांश से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पैसेज से। उसके बाद दोस्तों बहुवचन हो गया, हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, ठीक है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो भाषा टेस्ट में आपका ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर को आपको अच्छे तरीके से देखना होगा। कॉमन एरर होगा, हो जाएगा, वाक्य शुद्ध करने के लिए आपको दिया जाएगा, आंसू मुहावरे से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शब्दों का अर्थ पूछा जाएगा, जैसे इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा जाएगा। कच्चा चिट्ठा खोलना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको बताना है। विलोम शब्द पूछा जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हो ही गया, उसके बाद यहाँ पे पर्यायवाची शब्द मैंने बता दिया। तद्भव पूछा जाएगा, तत्सम पूछा जाएगा, ठीक है। पूरा ग्रामर को यहाँ कवर किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है इस सेट के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, आंसर की 100 के 100 क्वेश्चन का आपको आंसर की देखने को मिलेगा। आप टेस्ट को लगाइए, उसके बाद सारे आंसर को आपने चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों उत्तर व्याख्या आपको देखने को मिलेगा, उत्तर व्याख्या में आपको सबसे जो आंसर है दोस्तों बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। किरण पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन होता है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, डिटेल में आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। 25 के 25 इंग्लिश क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए गए सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 26 से हिंदी का सॉल्यूशन शुरू हो जा रहा है, ठीक है। हिंदी का भी सॉल्यूशन दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा डिटेल में और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने दिया हुआ है सॉल्यूशन। इस बुक का सॉल्यूशन दोस्तों किरण पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सॉल्यूशन होता है। 100 के 100 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसी तरह आपको सेट 2 आपको देखने को मिलेगा, सेम इसी पैटर्न में इंग्लिश भाषा में ग्रामर हो गया, पैसेज हो गया, सारा कुछ के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड इस सेट को बनाया गया है। उसके बाद हिंदी भाषा शुरू होता है, सबसे पहले पद से शुरू होता है, पैसेज से शुरू होता है, फिर जो भी ग्रामर होते हैं, कॉमन एरर होते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को इनके सेट में शामिल किया गया आंसर की। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। बुक दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बता दूं दोस्तों किरण पब्लिकेशन के सारे बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सभी बुक का दे दूंगा जिसका भी आपको चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा अर्थशास्त्र खान सर का कुछ बुक आता है, एनसीईआरटी पे आधारित सार संग्रह, इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजव्यवस्था हो गया, ये सभी बुक आपको एनसीईआरटी पे आधारित है जो कि हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ न्यूमेरिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये भी बुक आते हैं जो एनसीईआरटी पे आधारित है साइंस के। उसके बाद एग्जाम वाइज सार संग्रह आता है तो इन्हें भी आप दोस्तों ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट तो आपने देखा, प्राचीन भारत का इतिहास भी इनका एक बुक है जो कि कोड आप दोस्तों देख लीजिएगा 3613। उसके बाद दोस्तों विश्व का भूगोल हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, काफी सारे बुक है, ये भी बुक आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। भारत का मानचित्र, भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा भरत लाल का, ये हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है दोस्तों। सामान्य विज्ञान का अगर कोई अच्छा बुक ले रहे हैं तो एनसीईआरटी पे आधारित इस बुक को ले सकते हैं। सामान्य हिंदी का बुक है 5400+ है और इस बुक का मैं रिव्यू करूँगा। ये बुक है यहाँ पे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम क्लास 1 से 5 माध्यमिक उच्च माध्यमिक सबके लिए बुक आता है, सभी का मैं रिव्यू करूँगा बहुत जल्द, ठीक है ना। इस बुक को अगर आपको परचेज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इस कोड को देख के परचेज कीजिएगा, 4270 इस बुक का कोड है, ठीक है ना। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।